जैसे कि देख सकते हो आप लोग फ्रेंड कि अभी हम लोगों का खाना आ चुका है जो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये देखिए यहाँ का ये सबसे बेस्ट होटल है दुर्गापुर का। अभी आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि कैसा ये क्या क्या इसमें डाला हुआ है, कैसा टेस्ट है, कैसा वैरायटी है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं। आप देख बने रहिए हम लोग के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, आज दूसरा आइटम ऑर्डर किया है, ये है यहाँ का बंगाली फिश थाली जो कि काफ़ी स्पेशल लग रहा है देखने से। अभी देखते हैं खोल के कैसा लगेगा अंदर से। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने मंगाया है स्पेशल बंगाली फिश थाली जो कि ऐसा कॉस्टली इतना नहीं पड़ा है, नॉर्मल रेट में मिल गया। और यहाँ का सबसे अच्छा होटल से आज मंगाया है इस टाइप का थाली क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो इसलिए सोचे कि सेकेंड लोग भी इसका बना लें। और अगर ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो मैं ज़रूर फूड ब्लॉगर बन जाऊंगा एक दिन। ऐसे बनना तो ब्लॉगर था पर फूड आइटम में भी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दिखा रहे हो, तो देखते हैं इन फ्यूचर। तो अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है यहाँ का बंगाली स्पेशल सब्जी है। पता नहीं किस चीज़ का सब्जी बनाया है ये, कोई कुछ है आलू के साथ कुछ डाला हुआ है, मंगूड़ा टाइप का है। खैर देखते हैं इसको टेस्ट करके। ये आपका आलू कोफ्ता जो यहाँ पे हर थाली में मिलता है। ये है यहाँ का मछली जो कि सब, ये मछली स्पेशल थाली तो इसलिए मछली का अलग से स्पॉट बनाया गया है इसमें उससे। और मसाला वसाला ग्रेवी पूरा गाढ़ा लग रहा है, तो देखते हैं चख के कैसा हो। ये चटनी है इमली या टमाटर की चटनी है। ये दाल हो गया आपका, दाल ही पूरा गाढ़ा दिया है, धनिया वनिया सब डाला हुआ दाल में तो काफ़ी टेस्टी होगा। ये आपका दही हो गया और ये साथ में आपका डाला हुआ ये क्या है, ये बैगन चाप है, तो देखता हूँ। साथ में ये भी दिया है, खीर भी दिया है मीठा के लिए, एज अ डेजर्ट खाऊंगा। और साथ में एक्स्ट्रा राइस भी दिया है, साथ सलाद उलाद सब डाला है। तो ओवरऑल देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा इस खाने को देख के, लग तो रहा बेहतरीन बिल्कुल। तो देखते हैं चख के कैसा होगा, बताते हैं फिर आपको। खीर भी काफी अच्छा गाढ़ा दिया है बिल्कुल, तो ज़्यादा क्वांटिटी में तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर खैर चलिए कोई नहीं। तो फिलहाल मैंने सब टेस्ट किया है अभी, तो ओवरऑल काफ़ी सही बनाया है इसको, ये थाली काफ़ी अच्छा रहा रेट के हिसाब से। और देखिए ये जो सब्जी है यहाँ का, काफ़ी अच्छे मसाले में इसको बनाया गया है, यहाँ का बंगाली टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। और ये मेरा फेवरेट आलू पोस्ता जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको बंगाल में अगर आइएगा तो। और ये मछली का भी काफ़ी मसाला ग्रेवी भी बिल्कुल मस्त बनाया है, आप देख सकते हो ये काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। साथ में ये तो चटनी अपना, दाल दाल भी सही बनाया है बिल्कुल, दही भी बिल्कुल ताज़ा लग रहा है, बिल्कुल गाढ़ा बनाया दही को, घर का लग रहा है दिखने में। तो
ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा पैकिंग है, पैकिंग के साथ खाना का सॉस के काफ़ी टेस्टी है। आपको भी अगर ऑर्डर करना है, अगर आप बंगाल के हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा इसका। तो ये मेरा फेवरेट चाप, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसको लास्ट में खाएंगे डेजर्ट के तौर पे। और एक्स्ट्रा जो राइस देता है ये काफ़ी अच्छा करता है, क्योंकि इतने पेट नहीं भर पाता है मेरा, इसलिए एक्स्ट्रा राइस खा लेता हूँ, साथ में सलाद वगैरह सब डालता है। तो आप बताइएगा, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए होगा फूड ब्लॉगिंग पे, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा फूड ब्लॉग करके दूसरे रेस्टोरेंट में जाके। आपको कैसा लगा ये खाना, आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि कितना इसमें वैरायटी दिया हुआ, डिफरेंट वैरायटी का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह का वैरायटी दिया है। तो ज़रूर बताइएगा कि अगर रेट के हिसाब से कितना है, वैल्यूएबल है या नहीं है। मेरे लिए तो मैं इसको रेटिंग दूंगा, मैं इसको रेटिंग देना चाहता हूँ 4.2 रेटिंग देना चाहता हूँ इसको मैं, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेजिंग के साथ आया था ये, इसलिए काफ़ी अच्छा लगा। रेस्टोरेंट का नाम देख लीजिए, झीलम नाम है रेस्टोरेंट का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।